बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपका हमारे यूट्यूब चैनल असदी टीवी में। और मैं हूं मोहम्मद असद। जिस तरह के एक दोस्त हमें कमेंट करते हैं ऊपर के, भाई मेरी 18 साल उम्र है, एजेंसी वाले भी बोलते हैं कि भाई आपका वीज़ा लग जाएगा, आपका वीज़ा भी लग जाएगा और आपको सऊदी अरेबिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा। भाई ये तो बड़ी आप किस्मत वाले हैं कि अगर आपको 18 साल में आपका वीज़ा लग जाता है। हमारा तो भाई 21 साल से ऊपर जाकर वीज़ा लगा, और बाकी आप तो बाकी हकीकत में इससे पहले जितने भी सऊदी अरेबिया के अंदर आ चुके हैं, आए हैं जितने भी, और मज़ीद आने वाले भी होंगे, वो 21 साल से ऊपर ही उनकी उम्र होगी। आप ज़रा सोच समझ के ज़रा फ़ैसला कीजिएगा। आपको एजेंसी वाले बोलते हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि किस तरह होता है काम और किस तरह वो करते हैं। अगर आपके आईडी कार्ड बन चुका है, उसके बाद आपका पासवर्ड बन चुका है, अगर बेफार्म बन चुका है, तो काफ़ी मुश्किल है आपको डेट ज़्यादा करने में, उम्र ज़्यादा करने में, लेकिन मुश्किल नहीं, पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है, कर लेते हैं लोग। अगर आपको वहाँ पर वीज़ा मिल जाता है, आपका वीज़ा लग जाएगा, तो भाई आपको सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा। अगर आपका समझे कि पाकिस्तान में वीज़ा लग गया है, तो भाई आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा। अगर आपका वीज़ा नहीं लगा, तो समझें कि आपको सऊदी अरेबिया में लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको भाईजान ड्राइविंग वीज़ा ही चाहिए, और उसके लिए भाई 21 साल तो पक्की उम्र है। अगर सऊदी अरेबिया में कोई भी आना चाहता है, दोस्त भाई कोई भी, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि भाईजान 21 साल से कम उम्र का वीज़ा भी नहीं लगता, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको वीज़ा लगेगा तो 21 साल से उम्र ज़्यादा होगी तभी वीज़ा लगेगा, और आप जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। जिस काम का भी आपका वीज़ा है, वो आप यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आपकी 18 साल उम्र है, आप सोचें कि हम वीज़ा ले लें, भाई मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आपकी उम्र 21 साल तक होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एजेंट के साथ या एजेंसी के साथ जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, जिस तरह भी आपका होता है, बिना पैसों के, पैसों के आप कर लेंगे, लेकिन बेहतर यही है, यहाँ पर बेस्ट भी यही है कि अगर आपका पाकिस्तान में वीज़ा लग गया, तो आपको यहाँ पर लाइसेंस भी मिल जाएगा। अगर आपका वीज़ा नहीं लगा, तो आपको लाइसेंस भी नहीं मिल सकता। सबसे पहले बेहतर यही बात है कि आप वहाँ पर वीज़ा लगवाएं। जिस तरह भी आप लगवाते हैं, एजेंसी वाले आपको जिस तरह बोलते हैं कि भाई आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है, वो उनको और आपको पता है किस तरह आप लेंगे। हम तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इसी 21 साल तक उससे पहले वीज़ा नहीं लगता। वीज़ा तभी लगेगा अगर आपकी 21 साल उम्र होगी। कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं, जो अगर मैं नहीं आपको बता सका, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर आपके साथ डिटेल के साथ वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। कोई भी दोस्त इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं किसी काम के बारे में, तो हम लाइव वीडियो बनाकर आपके साथ ये शेयर करेंगे, और आपको दिखा भी सकते हैं कि कैसा काम होता है यहाँ पर डे कितना पैसा मिलता है, ड्राइवर सैलरी कितनी होती है यहाँ पर, और हाउस ड्राइवर सैलरी कितनी होती है, अगर आप अपनी गाड़ी बनाकर काम करते हैं तो कितनी सैलरी लेते हैं, वो सब कुछ हम इंशाल्लाह वीडियोस अपने में वक्तन फ़क्तन बताते रहते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त अगले वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।